अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नईम शहजाद और आप देख रहे हैं नईम टेक्निकल टीवी। दोस्तों, डॉलेस का ये बिल्कुल न्यू मॉडल का रेफ्रिजरेटर है, प्लेन शीट वाला एवापोरेटर इसमें, यानी जिसको आप कंसील्ड एवापोरेटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें अंदर कोई आपको ट्यूब्स जो है वो नज़र नहीं आ रही होती हैं, बल्कि सब कुछ जो है वो अंदर बॉडी के अंदर कंसील्ड होता है, छुपा होता है। हत्ता के निचले पोर्शन यानी कि रेफ्रिजरेटर में भी सामने फ्रंट पे कोई प्लेट नहीं होती जो कि दिखाई दे रही हो, लेकिन सब कुछ कूलिंग ऐसे ही होती है, बस सब कुछ इसमें कंसील्ड होता है। इसमें हो गई है लीकेज, ठीक है जी, इसमें एवापोरेटर में लीकेज आ गई है, ठीक है। अब इतना नया मॉडल का रेफ्रिजरेटर है, अब इसको स्क्रैप तो करने से रहे, तो इसकी लीकेज को कैसे ट्रेस करना है ये चीज़ हम आज की वीडियो में जानेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसकी हम बैक साइड की जो शीट है वो रिमूव करेंगे। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में तो हम सिर्फ लीकेज को ट्रेस करने का तरीका देखेंगे। अगर आपने इसको फिक्स करने की वीडियो भी देखनी है ना कि इसको हमने लीकेज को फिक्स कैसे किया, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसको लीकेज को फिक्स करने की भी अपलोड कर देंगे आपके लिए। तो सबसे पहले इसकी शीट को रिमूव कर लेते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, आपकी नॉलेज में एक और बात जो है वो लाना ज़रूरी समझेंगे कि हम कराची शहर में लोकेटेड हैं। पूरे कराची में अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जो लोग मयारी काम अपने एसी और रेफ्रिजरेटर का करवाना चाहते हैं किसी भी टाइप का, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेक्नीशियन हजरात के लिए ये हमारा ये नंबर प्रोवाइड किया गया ये बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि टेक्नीशियन अपने क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये देख सकते हैं शीट इसकी खुल चुकी है, ठीक है जी। अब अगला स्टेप क्या करना है देखें। तो खैर जी, केबलरी के स्टार्टिंग पॉइंट से भी लीकेज नहीं मिली है, और अल्लाह आपका भला करे, उसके आगे जो 4-5-6 इंच का जॉइंट है वहाँ से भी लीकेज नहीं मिली, और यहाँ से भी ये जो सक्शन के साथ इन्होंने मतलब कॉपर का जॉइंट डाला हुआ है थोड़ा सा, दो फिट का टुकड़ा तकरीबन, तो यहाँ से भी लीकेज नहीं मिली। इसके बाद हमने फिर डिसाइड किया कि अब क्या चीज़ बच गई है। तो देखें, जो इसके रेफ्रिजरेटर की यानी कि बैक साइड है, ठीक है, ये चीज़ मतलब जहाँ पे फ्रंट पे कूलिंग होती है निचले पोर्शन में, ये उसकी बैक साइड है, ठीक है। तो आप ज़रा पहले मुशाहिदा कर लें कि तमाम ट्यूब फिज़िकली बड़ी अच्छी लग रही हैं, फ्रेश लग रही हैं, चमक रही हैं। सबसे जो टॉप वाली नाली है ना, ये देख लें आप, ये कंडीशन वाइज यानी ना डैमेज हुई हुई है, जैसे वो लोहे के ऊपर जंग आ जाता है, इस तरीके से यहाँ पर आपको इसकी शक्ल चेंज नज़र आ रही होगी एल्यूमिनियम की। बाकी सारी ट्यूब एकदम फ्रेश हैं, लेकिन अगर ऊपर वाली नाली की बात करें तो इसकी हालत थोड़ी ख़राब है। तो हमें यहीं से लीकेज जो है वो मिल भी चुकी है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, हमने ये ऊपर सर्फ वाला पानी डाला है, और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से लीकेज जो है वो मिल चुकी है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको वादे तौर पे आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो लीकेज दिखाई दे रही है, ठीक है जी। तो यहाँ से इसकी लीकेज जो है वो ट्रेस आउट हो चुकी है, ठीक है। तो ये हालात हैं आजकल जो नए मॉडल के आ रहे हैं, प्लेन शीट वाले एवापोरेटर वाले रेफ्रिजरेटर, ठीक है, किसी दर्दे सर से कम नहीं है ये काम, ठीक है। कंपनियों ने तो बना दिया, लेकिन टेक्नीशियन के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा यानी कि मतलब डिफ़िकल्टीज जो है वो खड़ी कर दी हैं, मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। ये कोई मतलब आम काम नहीं है, ये समझ लें कि बहुत मुश्किल तरीन काम है इस तरह की लीकेज को ट्रेस करना, ये हर किसी के बस की बात भी नहीं है। तो बस समझ लें कि जो इस तरह की वीडियो जिन्होंने वॉच की हुई होंगी तो वही जो है इस तरह की चीज़ों में घुस सकते हैं, वरना जो है वो मतलब दूर से ही वो काम सुन के इस तरह का मतलब मादरत कर लेंगे। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, इस तरह से यानी कि आप ऐसी चीज़ों का सुराग लगा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह अगर आप बोलेंगे कमेंट्स में बता दीजिएगा, अगर इसको कैसे मेंटेन किया, कैसे हमने इसको रिपेयर किया है, तो यानी इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो जो है वो मैं फिर आपके लिए मतलब अपलोड कर दूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।